नेक्स्ट टॉपिक है भाई टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग, ठीक है। तब तो पहले टाइम पीरियड है क्या? एक ऑसिलेशन का टाइम, एक ऑसिलेशन मीन यहां से यहां इधर 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 और फिर फाइनली इधर, from here to there, then this one and this one, ये पूरी एक ऑसिलेशन। इस ऑसिलेशन को जो टाइम इंटरवल है टाइम पीरियड है, यानी कि टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन कॉल्ड टाइम पीरियड। ये अब इसकी इक्वेशन कैसे ड्राइव होगी? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, सर्कुलर मोशन में फार्मूला था एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, सही है? यहां तक क्लियर? एक ऑसिलेशन और वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में कितना एंगल बन रहा है? जीरो, ये 90, 2 पाई, ये 180, 270 और ये 360, जिसको रेडियन में हम कितना लिखेंगे? 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई। और एक ऑसिलेशन का टाइम जो होता है वो क्या होता है? टाइम पीरियड का पता है, इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे? 2 पाई f, वो अलग है, टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बता देता हूँ। तो t किसके बराबर होगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की हमने वैल्यू क्या निकाली थी? रूट के अपॉन एम, तो अगर मैं ये वैल्यू इधर पुट कर दूं, सॉरी इधर पुट कर दूं, टी इज इक्वल टू 2 पाई, ये वैल्यू मैं इधर शिफ्ट कर दूं 2 पाई, तो ओमेगा की जगह क्या आएगा? रूट के अपॉन, फाइनली यहाँ पे क्या आएगा? E इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम ओवर, सही है? जबकि यहाँ हमने अभी जो तला तुमने ये बात बोली थी, इसको फ्रिक्वेंसी की टर्म में भी लिख सकते हैं, वो ऐसे, वो भी मैं यहीं से बता दूं। ये तो मास स्प्रिंग सिस्टम का फार्मूला आता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से बताना चाहें तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई 1 ओवर टी,
लेकिन f बराबर है किसके, फ्रिक्वेंसी बराबर है 1/T के, तो ओमेगा किसके बराबर होगा, 2π। जी बच्चों कॉपी कर लिया? जी भाई है ना, समझ में आ गया? जी सर। आसान? सर। अजीब? जी सर। ओके आगे बढ़ो। चले ओके। अब इसके बाद टोटल एनर्जी, ऑफ मास स्प्रिंग की बॉडी स्प्रिंग से कनेक्ट रेस्ट पर है, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अभी नहीं लग रही इस वक्त, F1 क्या है, 0। बॉडी कनेक्टेड विद स्प्रिंग इन स्टेट ऑफ रेस्ट एट मेन पोजिशन वाइल नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, यानी कि F1 इसके बाद मैंने फोर्स अप्लाई की कितनी, F2 इक्वल टू F, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया x, आगे स्टेटमेंट क्या होगा, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स सही। नाउ एवरेज फोर्स इज, एवरेज फोर्स क्या होगी, एफ एवरेज F1 F2
ओवर टू एवरेज ऐसे ही रहते हैं, दो टर्म्स को हमने ऐड किया डिवाइड बाय टू। F2 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू क्या है, जीरो। F2 की वैल्यू क्या है, F डिवाइड बाय टू। एवरेज फोर्स कितनी हो गई, हाफ F। जी बच्चों याद रख लिया, हाँ जी सर, एक मिनट सर। यस सर, आगे करते। ओके हसीब क्लियर? जी सर। ठीक है अनस क्लियर? जी सर। अदनान क्लियर? जी सर। आगे आ जाए फिर, अब इस एवरेज फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हुआ है, ये जो एवरेज फोर्स है इसकी वजह से कितना वर्क डन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन ड्यू टू एवरेज फोर्स इज जी, एवरेज फोर्स की वजह से जो वर्क डन हुआ वो क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एवरेज डॉट एक्स, क्योंकि डिस्टेंस कितना कवर हुआ, एक्स। एफ एवरेज की वैल्यू कितनी है, हाफ एफ और ये डिस्टेंस। लेकिन एफ किसके बराबर है, के एक्स के, तो हाफ सर ये क्या हुआ, हाफ के एक्स इनटू एक्स वाला सीन समझा। ये यहाँ तक आ गई थी वैल्यू, एफ एवरेज की वैल्यू क्या है, हाफ एफ, सही है, कितना एक्स है, तो हाफ एफ एक्स आ गया, एवरेज एफ एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं फिर नहीं, एफ की वैल्यू एवरेज फोर्स की वैल्यू ये है ना हाफ एफ, तो मैंने ये पुट कर दी। अच्छा सही है। अच्छा एफ की वैल्यू ओक्स लॉ में अभी हमने पीछे कराई थी, एफ बराबर है किसके, के एक्स के, तो मैं ये वैल्यू इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो एफ की जगह आ जाएगा के एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये फाइनली फिर क्या रिजल्ट आ जाएगा, सही है, डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ के लेकिन ये वर्डन किस सूरत में स्टोर होगा, वर्डन के नतीजे में बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की, यहां से लेके यहां तक पोजीशन शिफ्ट हुई है, पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल होती है। जब भी किसी बॉडी पे वर्डन किया जाता है तो वो बॉडी के अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हो जाती है। में आप लोगों ने शायद पढ़ाओ वर्क एनर्जी थ्योरम, वो ये कहता है वर्क स्टोर एज एनर्जी, एनर्जी की सूरत में स्टोर, वर्क एनर्जी की सूरत में स्टोर। यहां मैं क्या लिखूंगा, ड्यू टू दिस वर्क बॉडी its position to potential energy store in it,
यानी के पोटेंशियल एनर्जी वर्धन आपस में बराबर। बर्डन किसके बराबर है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी भी किसके बराबर होगी, हाफ के। सही बच्चों, अब दूसरी एनर्जी हम इसकी ड्राइव करें, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखिए मैं एक फ्रप में लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला होता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, इधर वी से मतलब है, तो याद रखना फोर ड्यूरिंग ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन, तमाम सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल बी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल बी, तमाम सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी की वेलोसिटी का फार्मूला होता है v ओमेगा अंडर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तमाम सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये फार्मूला होता है। इस यूनिट में इसकी डेरिवेशन है नहीं, टेबल में इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहा, ठीक है, याद रख लिया सर। x नॉट कौन से पॉइंट लेंगे हम, ये सारे पॉइंट मैं बताता हूँ, x नॉट क्या है, x क्या है, ओमेगा क्या है, बट ओमेगा किसके बराबर है, रूट के अपॉन एम, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ना, एंगुलर फ्रिक्वेंसी इसके बराबर है रूट के अपॉन एम के, तो वी ओमेगा की जगह है रूट के अपॉन एम रूट एक्स नॉट स्क्वायर, जिसको आप फाइनली यू भी लिख सकते हैं, वी अंडर रूट के अपॉन एम एक्स नॉट स्क्वायर, यहां तक बताइए, यहां तक क्लियर, जी सर। अब देखो इन सब, इन सब के मतलब बताता हूँ, ये है के स्प्रिंग एम मास, एक्स नॉट क्या है, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आखिरी मीन एक्सट्रीम पोजीशन तक जो फाइनल डिस्टेंस कवर होता है दैट इज एक्स नॉट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और एक्स इज सिंपल डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम हो, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम
ये ना तो क्लियर जी क्लियर जी सर क्लियर जी सर ये बॉडी मीट होती है ये एक ये आखिर ये एक्सट्रीम पोजीशन तो पूरा जो फाइनली कवर होता है ना वो एक्सट्रीम इन मीन और एक्सट्रीम के बीच में कोई सा भी जो डिस्टेंस आ रहा होता है वो एक्सट्रीम ये तो सबसे मैक्सिमम हो गया ना इनके दरमियान में एक ऐसा डिस्टेंस होता है किसी भी टाइम इंटरवल पे जो आ रहा होता है वो लेट्स सपोज एक टाइम पे यहाँ पे बॉडी उसका मीन से फासला इतना है तो वो है लेकिन एक्स नॉट का फिक्स होता है एक्सट्रीम से लेके मीन तक का सर पर अगर जैसे मेरी बॉडी बिल्कुल रेस्ट पर है वो तो तब भी मेरी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आती रहेगी साथ वो वाइब्रेशनल पे है ना वो तो वाइब्रेशन ये तो एक स्प्रिंग पे बोल रहा है स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच करेंगे तो ऑसिलेट करेगा मैक्सिमम दो ये मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा एक्स नॉट से वापस आ रहा होगा मीन पे बीच में जो डिस्टेंस आ रहा होगा ना वही से भी किसी भी टाइम इंटरवल पे वो एक्स होगा फिर इधर आ रहा होगा एक्स नॉट फिर इधर मीन पे आ रहा होगा एक डिस्टेंस ऐसा है जो कि सबसे लार्ज है जैसे आप वेव बनाते हैं वेव में ये एम्पलीट्यूड होता है ना इसी तरीके से ये एम्पलीट्यूड होता है बाकी yes. तमाम के तमाम कोई किसी भी टाइम इंटरवल का डिस्टेंस होता है जो कि वैरी कर रहा हो ये एक्स है लेकिन ये एम्पलीट्यूड है क्लियर सही है सर आगे फिर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बनेगा आपने V की वैल्यू फिर V की जगह हम वो रख देंगे वही वाला भी निकाला रूट के अपॉन एम एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये होल स्क्वायर ये पूरी वी की वैल्यू स्क्वायर से रूट कैंसिल एम से एम भी कैंसिल हो जाएगा ए ओवर एम एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एम से एम कैंसिल तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई आप के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस सर हाँ सर वो जो पोटेंशियल एनर्जी की हमने निकाली थी वो एक बार लिखे सर वो क्या लिखी थी अब मैं टोटल निकालूंगा ना पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी ये हाफ के अरे ये तो वही फॉर्मूला है बस के ई में हमने फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया ये तो इसमें एक्स नॉट का एक्स्ट्रा फैक्टर शामिल है ना जी इसमें एक्स नॉट अब फाइनली टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी टोटल एनर्जी एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी
प्लस काइनेटिक क्या है हाफ के नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टेंशन है हाफ मल्टीप्लाई कर दूंगा एक मिनट सही याद है समझ में जी सर ये कैंसिल टोटल एनर्जी आई हाफ के एक्स ऑन सही हो गया सर ये यस सर हाँ भैया टर्बो क्लियर है जी सर अब इसका एक ग्राफ बताता हूँ ग्राफ क्या है इसका एनर्जी का ग्राफ इधर x इधर माइनस x और जो एनर्जी याद रखना किसी भी इंटरवल पे किसी भी डिस्टेंस पे टोटल एनर्जी तो सेम रहेगी यानी इस डिस्टेंस पे हो इस डिस्टेंस पे हो इस डिस्टेंस पे हो इस डिस्टेंस पे हो टोटल एनर्जी की वैल्यू इतनी आएगी क्यों सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म व्हाइल टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट टोटल एनर्जी में कोई वेरिएशन नहीं है इसलिए हर डिस्टेंस पे टोटल एनर्जी की वैल्यू एक ही है ये अच्छा अब इसमें दो ग्राफ काइनेटिक के एक पोटेंशियल का भी है देखिए याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एक्स नॉट यानी कि अगर इधर एक्स नॉट है और इधर भी एक्स नॉट है एक्स नॉट दो होते हैं ना एक प्लस है वो होगा एक माइनस इधर भी एनर्जी एक्स नॉट सर एम्पलीट्यूड होता है एम्पलीट्यूड होती है ना तो दो तरफ कवर होता है ना जैसे पेंडुलम में पेंडुलम का एक एम्पलीट्यूड ये रहा और दूसरा एम्पलीट्यूड ये रहा तो अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है सही एक्स नॉट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है और टोटल एनर्जी के बराबर होगी मैक्सिमम होगी जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी इसी तरीके से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ये किसका ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी दोनों पे यहाँ पे भी दोनों एक्स नॉट पे पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होगी मैक्सिमम जबकि काइनेटिक एनर्जी इसके रिवर्स है
काइनेटिक एनर्जी ऐसा होगा। वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होगा, मेन पे मैक्सिमम, ये काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जब पोटेंशियल कम हो रही है काइनेटिक बढ़ रही है, पोटेंशियल मिनिमम है काइनेटिक मैक्सिमम, फिर काइनेटिक कम हो रही है पोटेंशियल बढ़ रही है, लेकिन तीनों एक ही पॉइंट पे आगे मिलेंगे, वो ये टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी सेम है ना, तीनों का मैक्सिमम एक ही पॉइंट होगा। ये कौन सी पोजीशन पे होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये कौन सी पोजीशन पे होगा? मेन पोजीशन पे। ये कौन से पोजीशन पे होगा? एक्सट्रीम पे। जी बेटा, ये ग्राफ समझ में आ गया? यस सर, समझ आ गया। यस सर, जी समझ आ गया। हेलो अजीब सर, एक दफा दोबारा बता देंगे। देखो, एक्स नॉट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, इसी तरीके से इस एक्स नॉट पे भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, यहाँ पे सबसे मिनिमम बनेगी। इसी तरीके से एक एक्स नॉट पे भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, सही। काइनेटिक एनर्जी रिवर्स होगा, काइनेटिक पोटेंशियल मिनिमम कम हो रही है, काइनेटिक बढ़ रही है, काइनेटिक बढ़ रही है, इस पॉइंट पे मिनिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। इधर वह बॉडी जो होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी, क्योंकि एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे भी पोटेंशियल एनर्जी, जबकि ये वाली पोजीशन बीच वाली जो ये मेन पोजीशन होगी, मेन पे काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो इसका मैक्सिमम ये रहा और पोटेंशियल का मैक्सिमम ये रहा, दोनों के मैक्सिमम सेम पॉइंट पे मिलेंगे, जो कि टोटल एनर्जी की बात, किसके बराबर होगी? यानी मेन पोजीशन पे इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी। बात समझी मेरे बाप? ये बात समझ में आई? यानी कि मेन पोजीशन के ऊपर जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो सब की सब टोटल के बराबर है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर टोटल एनर्जी के बराबर है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? जीरो। इसी तरीके से इस एक्सट्रीम पोजीशन भी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी टोटल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी जीरो, यहाँ रिवर्स है, इधर पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी। चारों को क्लियर? जी सर। क्लियर सर? यस सर। नाउ ये ना क्लियर है आपको? जी सर, जी सर। और आसिफ? आसिफ आ गया? आसिफ नहीं है सर, आसिफ का मैसेज आप बोल रहे, इंटरनेट नहीं चल रहा अचानक। ओके, ये हो गया। एक ग्राफ और बता दूं,
वो है एक्सेलरेशन का, एक्सीलरेशन का ग्राफ ऐसे बनता है। जी सर, ऐसे ग्राफ जो है ना पास में भी आता है, ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये एक्सेलरेशन। ग्राफ इसका ऐसा क्यों बन रहा है? क्योंकि ए प्रोपोर्शनल टू माइनस है। अगर ए पॉजिटिव है तो एक्स नेगेटिव है, अगर एक्स नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव तो ए नेगेटिव। यहाँ पे देखो एक्स जो है पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव है। जी सर, एक्स नेगेटिव है, ए दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, जबकि यहां पे इस पॉइंट पे इधर जो आएगी वो मैक्सिमम एक्सीलरेशन है, और इधर डिस्टेंस क्या होगा, एक्स नॉट होगा। सेम इधर, फिर इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? एम्पलीट्यूड ये रहा, तो अगर आप ए बराबर ए ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए डिस्टेंस भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जल्दी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सही वापस समझा दें, समझ नहीं आया। देखो ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक बात तो क्लियर हो गई कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। प्रोपोर्शनल माइनस भी आ रहा है, का मतलब ये अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, इट मींस ए पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये यू बना। इसी तरीके से अगर ए नेगेटिव है यहाँ पे तो एक्स पॉजिटिव होगा रिवर्स, तो यू बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, सही है। और यहाँ आखिरी पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन आएगी ना, इस पॉइंट पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगी और डिस्टेंस भी मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम आएगा। सही, मैंने ये लाइटेस्ट बाउंड्री लाइन बनाई क्योंकि इस पॉइंट पे मैक्सिमम